नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बाद अब कानपुर में भी मेट्रो दौड़ने के लिए तैयार है। 10 नवंबर को सीएम योगी आदित्यनाथ कानपुर मेट्रो के ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाने पहुंचे। वहीं कानपुर मेट्रो के 9 किलोमीटर लंबे प्रायोरिटी सेक्शन को बनाने के लिए 2 साल से यूपी मेट्रो कॉरपोरेशन जी जान से लगा हुआ था। बताया जा रहा है कि कानपुर मेट्रो का काम लखनऊ मेट्रो के लिए हुए काम से भी ज्यादा तेजी से किया गया है। साल 2019 के नवंबर में मेट्रो का निर्माण काम शुरू हुआ था। 2 साल बाद अब कानपुर में मेट्रो का ट्रायल हुआ। इसके साथ ही सीएम मथुरा दौरे पर आज रहेंगे, जहां सीएम संतों से मुलाकात करेंगे, साथ ही हुनर हाट का उद्घाटन भी करेंगे। तो आज ट्रायल रन को सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद पहुंचकर हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही निरीक्षण भी किया और मेट्रो प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है, जिसका निरीक्षण करने खुद सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। सीएम ने जनता को ये बड़ी सौगात दी है, तस्वीरें देख सकते हैं आप। और अब इस मेट्रो की शुरुआत 31 दिसंबर से होगी आम जनता के लिए। आज हरी झंडी दिखाकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्रायल को शुरू किया। अब ट्रायल के कुछ समय बाद यानी 31 दिसंबर को यानी नए साल के उपलक्ष्य में जनता को ये बड़ी सौगात मिलने वाली है। कानपुर को मेट्रो की सेवा मिलने वाली है। तो कानपुर वासियों को सीएम योगी ने ये बड़ी सौगात दी है। अभी छोटे ही रूट पर ट्रायल शुरू किया जा रहा है। आपको बता दें कि रिकॉर्ड समय में मेट्रो प्रोजेक्ट का काम पूरा हो गया है। बताया जा रहा है कि जिस तरह से लखनऊ मेट्रो का काम हुआ था, उससे भी ज्यादा तेजी से कानपुर मेट्रो का काम किया गया है। आने वाले इस समय में चुनाव भी हैं और लगातार सरकार जनता को कई सौगातें देने की कोशिश कर रही है। अपने कार्यकाल के दौरान कई बड़ी सौगातें दी हैं सरकार ने, और एक और ये बड़ी सौगात कानपुर को मिली है, जिसके बाद कानपुर कि लोगों को काफी राहत मिलेगी। जितनी ट्रैफिक होती है, भीड़ होती है, समय की बचत होगी मेट्रो की वजह से। काफी सुविधाजनक मानी जाती है मेट्रो लखनऊ के बाद अब कानपुर में भी। इस तरह की सुविधा जब जिला वासियों को मिलेगी तो काफी खुशी देखने को मिलेगी। आईआईटी से मोती झील के बीच अभी मेट्रो की शुरुआत हुई है। जो आज ट्रायल हुआ है वो इतने ही रूट के लिए शुरू किया गया है और 31 दिसंबर से आम जनता के लिए भी इसके द्वार खुल जाएंगे, यानी कि आम जनता भी इसका लाभ उठा सकेगी। साथ ही साथ सीएम योगी का आज मथुरा दौरा भी है। लगातार कई जिलों के दौरे पर बने रहते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, तो आज कानपुर के दौरे के बाद वो मथुरा के लिए प्रस्थान कर चुके हैं, जहां 2 बजे करीब मथुरा पहुंचेंगे और वहां पे हुनर हाट का उद्घाटन भी करेंगे, जिसमें उनके साथ हेमा मालिनी भी शामिल होंगी और साथ ही मुख्तार अब्बास नकवी भी वहां पे सीएम योगी के साथ नजर आएंगे। तो आज 2 कार्यक्रम सबसे अहम है। सबसे पहले तो जो कानपुर का जिसे पूर्ण कर चुके सीएम योगी आदित्यनाथ, जनता को संबोधित करते हुए ये सौगात उन्हें सौंपी है मेट्रो रेल की, और अब मथुरा पहुंचकर जनता को संबोधित भी करेंगे, हुनर हाट का उद्घाटन करेंगे। कानपुर वासियों को सीएम की सौगात, रिकॉर्ड समय में मेट्रो प्रोजेक्ट हुआ पूरा, सीएम ने ट्रायल रन को दिखाई हरी झंडी, 11,076 करोड़ की परियोजना हुई पूरी, 31 दिसंबर से मेट्रो का संचालन होगा शुरू, आईआईटी से मोती झील के बीच शुरू होगी मेट्रो, कानपुर वासियों को सीएम की सौगात, रिकॉर्ड समय में मेट्रो प्रोजेक्ट हुआ पूरा। तो ऐसा बताया जा रहा है कि लखनऊ से भी तेज काम हुआ है कानपुर मेट्रो का। रिकॉर्ड समय में काम पूरा किया गया है। ट्रायल को हरी झंडी दिखाई है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। 11,076 करोड़ की परियोजना पूरी हो गई है और 31 दिसंबर से मेट्रो का संचालन आम जनता के लिए शुरू हो जाएगा। हालांकि आईआईटी से मोती झील के लिए जो आज ट्रायल शुरू हुआ है, उसके लिए सीएम योगी ने हरी झंडी दिखा दी है। कानपुर वासियों को सीएम ने ये बड़ी सौगात दी है। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गौरव, आज बड़ी सौगात मिली है कानपुर वासियों को, क्या कहेंगे इस पर? वैसे राजनीतिक दलों में सरगर्मियां बढ़ती जा रही है, और मुख्यमंत्री के दौरे की बात करें तो मुख्यमंत्री द्वारा लगातार दौरे किए जा रहे हैं, संवाद किए जा रहे हैं। अगर कानपुर मेट्रो की हम बात करें तो कानपुर मेट्रो की आधारशिला 10 नवंबर 2019 का इसका प्रोजेक्ट रखा गया था और 15 नवंबर 2019 से इसका काम शुरू किया गया था। और मैं आपको बता दूं, 2 साल से भी कम समय में कानपुर में रिकॉर्ड
काम के द्वारा मेट्रो शुरू करा दी गई है। जो उसका ट्रायल रन हुआ है वो IIT से मोटीजी तक कराया गया है। इसके बाद आम जनता के लिए 31 दिसंबर 2021 से खुल जाएगी, 9 वर्ष में आप कानपुर में भी मेट्रो का आनंद ले सकेंगे। अगर मेट्रो चरणों की हम बात करें तो पहले चरण में नोएडा, गाजियाबाद और लखनऊ में मेट्रो बनी थी, दूसरे चरण में कानपुर बनने जा रही है, बन गई है, चालू होगी जनता के लिए। उसके बाद तीसरा चरण रहेगा, मेरठ रहेगा, आगरा रहेगा, प्रयागराज रहेगा, तो और उम्मीद की जा सकती है जो चौथा चरण रहेगा उसमें भी झांसी जैसे कई जिलों में मेट्रो चलाई जा रही है। जी गौरव, लखनऊ में तो मेट्रो है ही, अब कानपुर में भी इसकी शुरुआत हो रही है, तो क्या कानपुर और लखनऊ जिस तरह से लोग अप डाउन करते हैं डेली, तो क्या इन दोनों मेट्रो को जोड़ा जा सकता है भविष्य में? देखिए कनेक्टिविटी की अभी बात नहीं हो सकती, तो कनेक्टिविटी कानपुर और लखनऊ का रन देखें तो लगभग 90 किलोमीटर है सड़क मार्ग से, तो सड़क मार्ग का 90 किलोमीटर का चरण अभी पूरा करना इतना आसान नहीं है। हाँ, भविष्य मान सकते हैं कि जो आपका रिलेटिव ट्रैफिक सिस्टम होता है उसके तहत कानपुर और मेट्रो लखनऊ को मेट्रो को जोड़ सकते हैं, जैसा कि आपका नोएडा गाजियाबाद में है और दिल्ली में है। पर अभी फिलहाल यहाँ पर स्थिति कब बनती है ये तो फिलहाल वक्त बताएगा। हो सकता है कि आने वाले भविष्य में कानपुर और लखनऊ की जो दूरी है वो मेट्रो के माध्यम से कम समय में तय की जा सके। वही चरणों की बात करें तो मुख्यमंत्री द्वारा लगातार इन चरणों को बहुत ध्यान दिया जा रहा था, तमाम इसकी समीक्षा की जा रही थी, इसलिए मेट्रो 2 साल से भी कम रिकॉर्ड समय में पूरी होकर आम जनता के लिए तैयार खड़ी है। गौरव, ऐसा भी बताया जा रहा है कि लखनऊ में जिस तेजी के साथ काम हुआ था उससे भी ज्यादा तेजी के साथ कानपुर मेट्रो का काम पूरा हुआ है, ये कैसे संभव हुआ? बता दूं कि जैसे चुनाव भी पास आ रहे हैं और तमाम सौगातें जनता को देने का समय भी आ गया है, कि अगर जनता ही नहीं जाने कि क्या मिला है क्या नहीं मिला है, चाहे कार्यकाल की बात हो, चाहे सुविधाओं की बात हो, चाहे इंफ्रा की बात हो, तो जनता को तय समय में तमाम चीजों को देने की मुहैया वो हमेशा उत्तर प्रदेश सरकार की भूमिका रही है। उसको मानते हुए देखा जा सकता है कि 2 साल से भी कम समय में कानपुर मेट्रो को तैयार करके 31 दिसंबर से जनता के लिए खोल दिया जाएगा। जी गौरव, GT रोड से होता हुआ ये मार्ग जाता है IIT से मोतीझील, तो कितना चुनौतीपूर्ण रहा ये काम पूरा करना? लेकिन आपको बता दूं बड़ा मार्ग आज कौनपुर स्टेशन बनाए गए, 9 स्टेशन फिलहाल बनाए गए हैं, और ये मेट्रो सबसे बड़ी खासियत इसमें ये है कि एक बार में 743 यात्री इसमें यात्रा कर सकेंगे। अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में मात्र 580 यात्री यात्रा कर सकते हैं, जबकि जो कानपुर मेट्रो की बात करें तो एक बार में 743 यात्री इस मेट्रो में सफर कर सकेंगे, और सारे स्टेशन कॉन्कोर्स बनाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात है, स्टेशन की बात करें तो डबल पिलर स्टेशन बनाया गया जो कि देश में पहली बार होगा। जी गौरव, अगर लखनऊ मेट्रो की बात करें तो अभी कम ही लोग हैं जो इसका ज्यादातर उपयोग करते हैं, तो क्या कानपुर मेट्रो को चलने में इतनी आसानी होगी? क्या लोग इसके लिए ज्यादा उत्साहित होंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में सफर करते नजर आएंगे? लेकिन मैं बता दूं कि कानपुर उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी है, क्योंकि वहां पर औद्योगिक कारखाने काफी लगे हैं, इसके अलावा वहां प्रदूषण का स्तर भी बहुत ज्यादा रहता है और वहां निर्माण कार्य लगातार चल रहा है, धूल का काफी है, धूल उड़ती है, तो कानपुर में समस्या आम देखी गई है। तो मेरे ख्याल से जब मेट्रो चलेगी तो आम जनता उसको लेकर उत्साहित भी है और उसमें यात्रा भी करेगी। अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में पूरी तरह से मेट्रो फैल नहीं पाई है, कई जगह ऐसी है जहां पर लोगों को आवागमन के लिए मेट्रो स्टेशन लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो लखनऊ में जब बेहद परियोजना रहेगी और बड़े बड़े जो इलाके हैं जहां पर पहुंचेगी, जो आम जनता तक पहुंच से दूर है या आपके रूरल में आते हैं, तब ही मेट्रो के जो बनने का जो काम है वो पूरा हो सकेगा। जी गौरव, 2 रूटों पे काम शुरू किया गया था मेट्रो के लिए, 1 रूट का काम पूरा हो चुका है, दूसरे का काम कितने समय में पूरा हो सकता है? देखिए दूसरे का काम मैं बताऊँ 3 से 4 महीने लगेंगे, माना जा सकता है कि जो चुनाव है उसके पहले दूसरे रूट का काम भी पूरा कर लिया जाएगा, जिससे कि आम जनता को कोई दिक्कत नहीं होगी और मेट्रो में सुकून से और कम समय में यात्रा कर सकेंगे। जी गौरव, सीएम योगी आदित्यनाथ के आज लगभग कितने दौरे हैं? देखिए लखनऊ पहले आज जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में थे, सभी अधिकारी को समीक्षा बैठक भी हुई है, उसके बाद मुख्यमंत्री वहां भी गए हैं कानपुर में, वहां पर जो मेट्रो का है उन्होंने उसका उद्घाटन कर दिया है, ट्रायल रन कर दिया है। इसके बाद मुख्यमंत्री वहां पर जो कोविड कमांड सेंटर है, इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर, वहां जाएंगे और वहां पर जीका वायरस की, कानपुर में जीका वायरस के काफी मामले आए थे, तो वहां पर जीका वायरस के पीड़ित है उनसे मिलेंगे, उनके परिवारों से मुलाकात भी करेंगे और अधिकारियों को निर्देश देते नजर आएंगे कि जीका वायरस को कैसे कंट्रोल करना है, कि जिस तरह से कोरोना को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी रणनीति की तरह कोविड पहले टीम 11 बनाई, फिर टीम 9 बनाई, और टीम 9 बना के आज स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में कोई भी कोरोना मरीज नहीं पाया गया है। जी गौरव, जीका वायरस के हम लक्षण भी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे संक्रमित हो जाते हैं, उनको लक्षण का पता नहीं होता है, उसके बावजूद वो इसे ग्रसित रहते हैं, तो हम लक्षण के बारे में भी जानना चाहेंगे। देखिए जीका वायरस की अगर हम बात करें तो एडी मच्छर होता है, उसके काटने से बीमारी होती है,
हालांकि बीमारी संक्रमित है, अगर आप उसका खून मिल जाता है या अगर आदमी खाता है तो भी इस वायरस से संक्रमित होने के लक्षण हो सकते हैं। पर अगर बात करें तो इसमें कोई अभी तक मौत का आंकड़ा नहीं आया है। आमतौर पर जुकाम होता है, खांसी आती है, और जो लक्षण आमतौर पर देखा जा सकता है कि जुकाम खांसी के लक्षण होते हैं, बुखार के लक्षण होते हैं, बड़े लक्षण इसमें होते हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश में जीका वायरस से कोई मौत नहीं हुई है, तो फिलहाल बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, पर कंट्रोल जरूरी है कि मच्छर के लिए, कि डेंगू भी जो मच्छर से ही होता है, मलेरिया मच्छर से होता है, जीका वायरस भी मच्छर फैल रहा है, तो मच्छरों के प्रति रोकथाम बहुत जरूरी है, उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। गौरव, कुछ लोग जीका वायरस को कोरोना वायरस से भी जोड़ के देख रहे हैं और डर रहे हैं कि कहीं ये कोरोना की ही तो दूसरी लहर नहीं या फिर संक्रमण नहीं, तो इस पे भी हम आपसे स्पष्टीकरण चाहेंगे। देखिए मैं आपको बताऊं, सिम्टम्स की बात करें, लक्षण की बात करें, तो लक्षण बहुत तो एक जैसे होते हैं। देखिए जीका वायरस की बात करें, लक्षण कोरोना जैसे है, कोरोना की बात करें तो वो सर्दी जुकाम खांसी बुखार रहता है। अगर फ्लू की बात करें तो फ्लू में भी यही समस्या होती है, और अगर आम जुकाम की बात करें उसमें भी अगर आदमी ठंड लग जाती है तो वो भी जुकाम खांसी और बुखार से पीड़ित हो जाता है। तो लक्षण लगभग बराबर रहते हैं, पर उनमें ये मालूम करना कि कोरोना क्या है, जीका क्या है, डेंगू क्या है, फ्लू क्या है, ये तो जांच के बाद स्पष्ट हो जाएगा। पर फिलहाल ये बता दूं कि जीका वायरस बढ़ रहे हैं, पर अभी तक कोई हताहत या किसी के मरने की खबर उत्तर प्रदेश में नहीं आई है। जी गौरव, सीएम योगी आदित्यनाथ आज मथुरा भी जाएंगे, क्या कुछ सौगात दे सकते हैं मथुरा वासियों को? जी मथुरा में उत्तर मुख्यमंत्री जा रहे हैं, वहां पर चूंकि देव द्वारा बचा हुआ है, आध्यात्मिक क्षेत्र है, और वहां पर एक बजराज जो आपकी ब्रज विकास परिषद के द्वारा बजराज हाट का आयोजन किया गया है, वहां पर मुख्यमंत्री जाएंगे, उसका उद्घाटन करेंगे, और वहां पर एक जनसभा भी उनकी रहेगी, जहां पर वह आम लोगों को संबोधित करके नजर आएंगे कि किस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है, अगर दोबारा मौका मिला तो किस तरह काम करेगी। इसके बाद मुख्यमंत्री माना जा सकता है कि वहां पर श्रीकृष्ण जन्मभूमि है, वहां के लगभग 4 बजे दर्शन भी करेंगे। इस दौरान उनके साथ मथुरा की सांसद हेमा मालिनी भी रहेंगी और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ मथुरा रहेंगे। जी गौरव, मथुरा से कितने बजे प्रस्थान करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और लखनऊ आने का क्या समय रहेगा? देखिए 4 बजे के लगभग मुख्यमंत्री वहां पर श्रीकृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करेंगे और वहां पुजारियों से मुलाकात करेंगे, खासतौर से उसके साथ ही साथ अधिकारियों से भी समीक्षा बैठक कर वहां के अधिकारियों को निर्देश देंगे किस तरह से काम करना है, कि कई योजनाएं ऐसी हैं जिनका समीक्षा करना बहुत आवश्यक है, और चुनाव का समय है, और समीक्षा के माध्यम से ही हम अपनी योजनाओं को जल्द से जल्द पब्लिक को पहुंचा भी सकते हैं, जनता को दे सकते हैं और उनका बेहतर क्रियान्वयन कर सकते हैं। इसका मुख्यमंत्री लगभग और शाम को आएंगे, और माना सकता है इस छठ पूजा महोत्सव उत्सव चल रहा है, तो मुख्यमंत्री के झूलेलाल पार्क में भी शामिल होने की संभावना पूरी पूरी है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता गौरव जुड़े थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।